भारत के सबसे तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने ज्ञान से सीख दी। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से अवगत करवाया। स्वामी विवेकानंद का कहना था, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। वो हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेगा कल उसे वैसा ही फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक भी थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में एक कायस्थ जाति के परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता के हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी थी, जो एक धार्मिक विचार की महिला थी और हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखती थी। स्वामी विवेकानंद 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र बुलाया करते थे। 1984 में स्वामी विवेकानंद के पिता का साथ छूट गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की काफी जिज्ञासा थी, इसीलिए उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? स्वामी विवेकानंद के सवाल को सुनकर महर्षि देवेंद्र नाथ आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद के जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि देवेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। उनके बताए गए सद्मार्ग पर चलने लगे। रामकृष्ण परमहंस के मौत के बाद स्वामी विवेकानंद मात्र 25 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और ब्रह्मचर्य के पालन करने लगा और गेरवा वस्त्र धारण करने लगा। तभी से स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद हो गया। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत वर्ष में भ्रमण पैदल ही किए। 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया के धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया था। इनमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना धार्मिक किताब रखे और भारत की ओर से भगवत गीता को रखा गया। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को देखकर विदेश के लोग काफी मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर के माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका जैसे शब्द से संबोधित कर भाषण देना शुरू किया तो पूरा सभा उसे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों में उन्हीं की चर्चा थी। एक पत्रकार ने लिखा, वैसे तो धर्म सम्मेलन में सभी विद्वानों ने काफी अच्छी भाषण दी, पर भारत के विद्वानों ने पूरे अमेरिका के दिल जीत लिए। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उस समय के नई लोकप्रिय छवि बनकर के उभरे और आज भी उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। धर्म सम्मेलन खत्म होने के बाद स्वामी विवेकानंद 3 साल तक अमेरिका में ही रहे और हिंदू धर्म के वेदांग का प्रचार अमेरिका के अलग अलग जगहों पे जाकर के किया। 20 जून 1899 को फिर से स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और वहां जाकर के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का निर्माण किया। जुलाई 1990 को स्वामी विवेकानंद पेरिस गए, जहां उन्होंने कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलेशन में भाग लिया और करीब 3 महीने तक वहां रहे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के 2 शिष्य बने। 1990 के आखिरी माह में स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए और फिर से उन्होंने भारत यात्रा किया। यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। स्वामी विवेकानंद अस्थमा और डायबिटीज जैसे बीमारियों से ग्रसित थे। 4 जुलाई 1992 को 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। इस महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया।